दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर मखाना तो आपने अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी खाया ही होगा, जिसे बहुत सी स्वादिष्ट डिशेस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही मखाने को हिंदू धर्म में कई त्योहारों पर उपवास के समय प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मखाने की खासियत नहीं बल्कि यह बताने वाले हैं कि आखिर मखाने की खेती कैसे होती है और मखाना किस तरह बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो और जानते हैं कि मखाना किस तरह तैयार किया जाता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मखाना किसी पेड़ पर लगता है या इसे खेतों में उगाया जाता है तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल मखाने की खेती तालाब में की जाती है। तालाब में मखाने की खेती करने से पहले तालाब में से सभी चीजों को बाहर निकालकर तालाब को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद मखाने के बीज लाए जाते हैं जो देखने में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं और इन बीजों को तालाब में बोया जाता है। बीजों की बुआई के 1.5 महीने बाद तालाब में मखाने के पत्ते निकलने लगते हैं और तकरीबन 3 से 4 महीने बीतने के बाद मखाने के फूल भी निकल आते हैं, जो देखने में किसी कमल के फूल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनका कलर बैंगनी रंग का होता है। इसके बाद जब 5 महीने बीत जाते हैं तो फल भी आना शुरू हो जाते हैं और इन फलों में बीज भी होते हैं। आमतौर पर एक फल में 50 से लेकर 170 बीज पाए जाते हैं, जो कि 6 से 7 महीने के बाद इन फल से निकलकर तालाब में पहुंच जाते हैं। जिस समय यह बीज तालाब में पहुंचते हैं उस समय इनके ऊपर गुलाबी रंग की एक पतली लेयर चढ़ी होती है, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद यह लेयर इनके ऊपर से उतर जाती है तो यह बीज सफेद रंग के हो जाते हैं और इनमें से ज्यादातर बीज पानी के नीचे तालाब में तली में चले जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद तालाब में मौजूद मखाने के पत्ते भी गलने लगते हैं और जब यह पत्ते गलने लगते हैं तो किसान इन सभी पत्तों को तालाब से साफ कर देते हैं और सिर्फ तालाब में मखाने के बीज बचते हैं। और फिर इसके बाद किसान एक लकड़ी की बनी हुई छलनी का इस्तेमाल करके इन सभी बीजों को तालाब से बाहर निकाल लेते हैं और जब सभी बीजों को तालाब से बाहर निकाल लिया जाता है तो इन्हें साफ करने के लिए पैरों से कुछ इस तरह कुचला जाता है, जिससे बीजों की ऊपरी लेयर भी हट जाती है और साथ ही सारी की सारी गंदगी भी साफ हो जाती है। इसके बाद इन्हें पूरी तरह से साफ करने के लिए पानी से धोया जाता है और बोरियों में भरकर दूसरी प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। अगली प्रोसेस में इन सभी बीजों को फैलाकर सुखाया जाता है। इस दौरान इन बीजों का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। अब एक बार फिर इन सभी बीजों को फिर से एक जगह इकट्ठा किया जाता है और अलग अलग आकार के बीजों को छलनी की मदद से अलग अलग कर लिया जाता है और एक बार फिर इन सभी बीजों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इन बीजों को मिट्टी के घड़ों में भुना जाता है, लेकिन यहाँ इन बीजों को ज्यादा देर के लिए नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए ही भुना जाता है। इसके बाद इन्हें एक ठंडी जगह पर रख दिया जाता है और काफी समय तक यह बीज उसी जगह पर रखे रहते हैं, जिससे इन मखानों के बीजों में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसके बाद इन बीजों को इकट्ठा करके फिर से भुनने के लिए भेजा जाता है, जहाँ कई सारे मिट्टी के घड़ों में इन्हें हल्की आंच पर कई घंटों तक भुना जाता है और फिर लास्ट में इन बीजों को कई सारी लोहे की कढ़ाई में तब तक भुना जाता है जब तक इनसे बीज फटकर मखाने में न बदल जाए। और जब बीजों से फटने की आवाज आने लगती है तो इन्हें तुरंत बाहर निकालकर एक लकड़ी की हथौड़ी से मारा जाता है, जिससे बीज का छिलका निकलकर बाहर हो जाता है और छिलका उतर जाने के बाद मखाने बाहर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, मखाने अभी भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होते हैं। अभी भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत छिलका रह जाता है, जिसे पूरी तरह साफ और सफेद बनाने के लिए एक और प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इसे एक मशीन के अंदर डालकर निकाला जाता है और फिर इसके बाद मखाना पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद इन सभी मखानों को इकट्ठा करके पैकेट्स में पैक कर लिया जाता है और मार्केट में आगे भेज दिया जाता है और इतनी लंबी और कठिन प्रोसेस के बाद मखाना हमारे घरों तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।